दोस्तों, चाहे आपको किसी सब्जी की चटनी बनानी हो या फिर कोई जूस, आप सभी इस मिक्सर का यूज तो करते होंगे। लेकिन दोस्तों, शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन मिक्सर ग्राइंडर को कैसे बनाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं मिक्सर की मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस मैन्युफैक्चरिंग की पूरी नॉलेज मिल सके। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन की हेल्प से इसके शेल यानी आउटर साइड वाले पार्ट को तैयार किया जाता है। इस पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी कार्बन फाइबर के साथ रेड प्लास्टिक का यूज किया जाता है। यह प्लास्टिक इसके आउटसाइड बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। दोस्तों, यह मशीन इस प्लास्टिक को पिघलाकर इसके मिक्सर वाले शेप को तैयार करती है। इस प्रोसेस के बाद इस मिक्सर की कैपुट मोटर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए कॉपर के साथ आयरन वायर का भी यूज किया जाता है। यहाँ एक ऑटो रोबोटिक मशीन द्वारा अपने ऑटोमेटिक पार्ट से कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, ये मोटर जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है क्योंकि इसके आउटर शेल को तैयार नहीं करना पड़ता है। इस मोटर मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब इन मोटर पर लगने वाली ब्लेड्स को तैयार किया जाता है, जिनको स्पेशलिस्ट इंजीनियर द्वारा निर्धारित शेप के आधार पर तैयार किया जाता है। इन ब्लेड्स को तैयार करने के लिए आयरन शीट के साथ एल्यूमिनियम धातु का यूज किया जाता है। यह एल्यूमिनियम धातु स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जिन्हें पतला करने पर यह बहुत मजबूत और धारदार हो जाती हैं। फाइनली इन ब्लेड्स को शाउट माउंट पर असेंबल कर दिया जाता है, जिसे बाद में मिक्सर ब्लेंडर के साथ अटैच किया जाएगा। इस प्रोसेसिंग के बाद अब इस मिक्सर के जार वाले पार्ट को तैयार किया जाता है, जिसे तैयार करने के लिए रिसाइकलिंग कांच का यूज किया जाता है, जिसे बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाकर इन जार्स को तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में अब इन मिक्सर के ब्रेन यानी मदरबोर्ड को तैयार किया जाता है, जो मोटर की पावर को बढ़ाता है और कम करता है। फाइनली इन जार्स की टेस्टिंग होती है और इसी के साथ इनमें ब्लेड्स को भी असेंबल कर दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस मिक्सर की संपूर्ण असेंबलिंग की जाती है, जिसमें स्विचेस, मोटर, वायर सभी को अटैच कर दिया जाता है। अब फाइनली इन सभी की टेस्टिंग करके इन्हें सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है मिक्सर ब्लेंडर। सबसे पहले प्रेशर कुकर की बॉडी को बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम की ब्लेड का यूज किया जाता है, जिसे एक पंचिंग मशीन द्वारा कुकर की बॉडी का शेप दे दिया जाता है। इसी के साथ इसमें हीट कंडेंटर वाली जाली को भी जोड़ दिया जाता है, ताकि हम जब भी कुकर में कुछ भी पकाएं तो वह माल जले ना। इसके बाद अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को बनाया जाता है,
इसके लिए एल्यूमिनियम की प्लेट को पंचिंग मशीन में प्रेस करके कुकर की बॉडी पर फिट होने वाला ढक्कन का शेप बना दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद कुकर की बॉडी को कांच जैसी चमकीली फिनिशिंग दी जाती है और ढक्कन पर भी यही सेम प्रोसेस लागू होती है। इस प्रोसेसिंग को मिरर प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब इन बॉडी को वॉशिंग प्लांट में गर्म पानी से वॉश किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद कुकर की इन बॉडी और ढक्कन को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में 1 घंटे तक रखा जाता है, जिसके कारण इनकी बॉडी का कलर ब्लैक हो जाता है। अब इन दोनों को असेंबली लाइन में भेजा जाता है, जहां पर सबसे पहले इसके ढक्कन पर बोल्ट और सीटी को लगाया जाता है। अब इसी ढक्कन पर ग्रोमेट को लगाया जाता है, जो इस प्रेशर कुकर का प्रेशर मेंटेन करता है, जिससे कुकर ज़्यादा प्रेशर पर भी ब्लास्ट ना हो और बड़ी से बड़ी घटना भी टल जाए। अब इसकी बॉडी पर हैंडल को असेंबल कर दिया जाता है। आगे तैयार कुकर की क्वालिटी और प्रेशर चेकिंग की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर इसे पैक करके शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से फैक्ट्री में बनाया जाता है कुकर को। दोस्तों, खाना पकाने के तेल को सामान्यतः जैतून, मूंगफली, सरसों, कुसुम आदि पौधों के बीजों से बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मूंगफली के तेल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, मूंगफली के तेल में कच्चा माल मूंगफली होती है, जिन्हें खेतों से लोडिंग कर फैक्ट्री मिल तक लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इन्हें एक मैग्नेट ड्रेस मशीन में डाला जाता है, जो मशीन इस मूंगफली के ढेर में उपस्थित गंदगी को हटा देती है। बाद में इन मूंगफली को डीहुल्ड मशीन में भेजा जाता है, जो इसके दाने और छिलकों दोनों को अलग कर देती है। बाद में इन दानों को रोलर्स मशीन में भेजा जाता है, जो इस पर हाई प्रेशर लगाकर इसके ऑयल को निकाल देती है। दोस्तों, यहाँ पर यह ऑयल बनकर तैयार नहीं होता है, इसके आगे और भी प्रोसेसिंग होती है। अब इन दाने के मिश्रण को पुनः एक बार गर्म करके रोलर्स के बीच में पीसा जाता है, जिससे बचा हुआ तेल भी निकल जाए। अब बारी आती है इस तेल को क्वालिटी देने की, जिसके लिए इस तेल को सबसे पहले एक स्ट्रिपिंग कॉलम से गुजारा जाता है, जो इसे फिल्टर्ड कर देता है। अभी भी इस तेल का रंग काला और इसका स्वाद थोड़ा कड़वाहट से भरा होता है, जिसे मिटाने के लिए इस तेल को 40 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है और इसी के साथ इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित सारे अवांछनीय बैक्टीरिया समाप्त हो जाए तथा सारी चिपचिपाहट भी दूर हो जाए। अब इस तेल को एक बार तो हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तथा पुनः ठंडा किया जाता है, जिससे इस तेल को यदि फ्रिज में भी रखा जाए तो यह जल्दी से जमे नहीं। अब इस तेल को स्वच्छ कंटेनरों में इकट्ठा किया जाता है। बाद में इन्हें ग्राहकों की जरूरत के अनुसार पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने इस तरह फैक्ट्री में रिफाइनिंग ऑयल को बनाया जाता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।